Hi, I'm Kunal Roy Kapoor and you're watching PopBollywood.com. Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from PopBollywood.com. Hi guys, this is Monica and you are watching Pop Bollywood. Well, Bollywood में भगवान का कॉन्सेप्ट तो बहुत ही पुराना है, लेकिन पहली बार जब तीनों भगवान एक साथ आएंगे तो क्या करेंगे पर्दे पर, ये तो हमें बताने के लिए आज हमारे साथ है उन्हीं में से एक त्रिदेव. सो वेलकम कुनाल टू पॉप बॉलीवुड. थैंक यू. टेल मी अबाउट योर कैरेक्टर. मैं महेश का रोल कर रहा हूँ, जो एक एवरेज बंदा है पर वो काफ़ी आलसी है, अपनी दुनिया में रहता है, खाने का शौकीन है. तो He's basically he's a foodie, lazy है, पर anger भी है उसमें, तो he gets angry also. तो जो फिल्म की कहानी है, basically ये तीन बंदे गांव में आ जाते हैं और वहाँ के लोग मानते हैं कि त्रिदेव शायद प्रकट हुए हैं, या ये तीन जो बंदे हैं वो त्रिदेव यानी कि दे आर द होली ट्रिनिटी री इनकारनेटेड. तो वही है मिस्ट्री फिल्म की कि क्या वो असल में हैं या आर दे जस्ट एवरेज गाइज. So that was a fun thing about it. He was a fun character to play. As you said, like teen jan aa jaate hain, teen bande aa jaate hain, lekin trailer mein humne dekha kuch supernatural power ya aisa kuch dikha nahi hai. So kya aap log like waise hi hota hai? हाँ, आई थिंक कि ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं फिल्म में जो लोगों का विश्वास जो है बढ़ाता है. तो आई थिंक कि देर आर सच इवेंट्स इन द मूवी कि ऐसा लगता है कि शायद इनके पास supernatural powers हों. बट आई डोंट नो कि वो आपको देखने के बाद चलेगा कि अगर वो असल में है या नहीं, पर लोग तो कन्विंस हो जाते हैं. एंड आई थिंक कि आजकल हमारी दुनिया में और हमारे देश में यही चल रहा है कि लोग बहुत ही आई मीन वेरी ऑफन दे कम अंडर द स्वे ऑफ सम सॉर्ट ऑफ बाबा या गुरु या माता विदाउट क्वेश्चनिंग, यू नो. तो आई थिंक कि द फिल्म इज ऑल्सो अ लिटिल बिट अबाउट दैट कि क्या आपको अपना विश्वास किसी के ऊपर ऐसे ही डालना चाहिए या यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस और यू नो रियली कंसिडर. बट अल्टीमेटली दे आर नॉट बैड गाइज. आई थिंक दैट्स द मॉरल डिलेमा जो फिल्म में है, उनकी जो मॉरेलिटी है. तो आई थिंक दैट ऑल्सो कम्स टू द सर्फिस एट सम पॉइंट बिकॉज वो विलन्स नहीं है, वो बस ऐसे वो दे गोइंग विद द फ्लो और लोग मान रहे हैं तो चलते हैं, चलो करते हैं कुछ. आप पर्सनली गॉड एग्जिस्ट करते हैं, बिलीव करते हो? वेल नॉट गॉड जैसे ट्रेडिशनली लोग मानते हैं. आई डोंट थिंक आई बिलीव इन अ गॉड इन दैट सेंस, बट आई डू बिलीव इन लाइफ. आई मीन आई बिलीव इन लाइफ एज इन इट एग्जिस्ट, देयर इज नथिंग टू बिलीव, बट आई बिलीव इन द मिरेकल ऑफ लाइफ. And I think all life is a miracle, and I believe in the energy that runs through all living things and runs through things that are not living as well, but just the energy of the universe. And I think ki agar us energy ko aapko bhagwan kehlana hai to aap bhagwan keh sakte hain, or you can just call it cosmic energy, but I think that energy exists, it's undeniable. But I do believe in things like luck, good fortune, coincidence, chance. I believe in all of that. कोई अगर भगवान की मुमला दी तो कॉन्ट्रोवर्सीज भी होती है, बिकॉज कुछ लोग बोलते हैं सेंटीमेंट्स वो हर्ट हो गए हैं बिकॉज दे आर जस्ट यू नो भगवान बन के लोग घूम रहे हैं, मजाक मस्ती कर रहे हैं, लाइक भगवान का मजाक उड़ा है. तो वैसी कुछ कॉन्ट्रोवर्सी जब आती है तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, हम भगवान का मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं. हम वी आर प्लेइंग गॉड मैन और वी आर प्लेइंग पीपल हु पीपल थिंक आर गॉड्स. आई डोंट थिंक वी आर नॉट प्लेइंग शिव जी और वी आर नॉट प्लेइंग ब्रह्मदेव. वे आर प्लेइंग पीपल हु जो लोग मानते हैं कि शायद ये हैं यार, ये तो प्रकट हुए हैं. तो इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन एक्चुअली प्लेइंग समवन. की टीवी सीरियल्स में आजकल हम ये भी देखते हैं कि लोग शिव जी के यानी कि इतनी सारी टीवी सीरियल्स हैं. पास्ट में ऑल्सो वी हैड महाभारत, रामायण. तो आई थिंक कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड ऑन स्क्रीन इज वन थिंग, बट आई थिंक कि हियर देयर इज ऑल्सो वन टैग लाइन ऑफ द फिल्म विच गोज भगवान या कौन, एज इन कौन आर्टिस्ट. तो आपको डिसाइड करना है कि क्या ये भगवान है या कौन आर्टिस्ट है या तीन एवरेज बंदे हैं, क्या है ये. तो आई डोंट थिंक एनीवन इज गोइंग टू टेक इट बैडली बिकॉज वी आर नॉट मेकिंग फन ऑफ गॉड, वी आर एक्चुअली मेकिंग फन ऑफ दीज तीन लफंगा कैरेक्टर्स. हाउ इज योर केमिस्ट्री विद करण एंड रवि? इट वॉज अ ग्रेट केमिस्ट्री. आई थिंक कि फ्रॉम द फर्स्ट नाइट दैट वी मेट एट डिनर, फ्रॉम देन ऑन थ्रू द होल फिल्म शूट वी शेयर अ ग्रेट केमिस्ट्री एंड अ ग्रेट working relationship and a great friendship as well.
I mean, for me, it's been a very, very pleasurable experience. So, I don't know whether they will say the same thing, but mere liye to bahut hi acha tha. And I, not only with them, but also with the rest of the cast. Working with KK Menon, I mean, that is a big thrill. With Mumbada, with Tiska Chopra, and with the three actresses. So I think we've had a really good bunch of people. So it's been a really good experience. इस मूवी ने आपको क्या सीख दी? It taught me about being a team player, you know, and really supporting each other in difficult situations. क्योंकि ऐसे scenes भी थे जहाँ पे बारिश हो रही है और बहुत ठंड थी वहाँ पे माउंट आबू में जहाँ पे हम शूट कर रहे थे. और इट वॉज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू डिलीवर फास्ट, यू नो, यू कांट टेक टू लॉन्ग ट्राइंग टू डू द सीन, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं, नॉट ओनली जूनियर्स बट अदर एक्टर्स ऑल्सो, ऑल सब खड़े हैं वहाँ पे. तो आई थिंक टू बी अ टीम प्लेयर एंड टू बी, यू नो, कम्प्लीटली ऑन द बॉल एट दैट टाइम वॉज वेरी 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 डिफिकल्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इट टॉट मी लॉट अबाउट द टीम स्पिरिट. सो ओके, लास्टली जाते जाते, व्हाट यू वांट टू से टू योर Well, the film is releasing on the 1st of June, and I think ki ek family film hai. I think ki all age groups can hopefully enjoy this film, and it's got a lovely message about belief. Or I think the message is a very good message to put out there about God and about misplaced belief. It's funny, it's entertaining, it's got fun songs. So go and check it out.